बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज हुए रहते हैं कि टेस्ट सॉल्व करें या ना करें, करें तो फिर कितने टेस्ट सॉल्व करें। कई बार तो बच्चे प्रीलिम्स देने चले जाते हैं और दो या तीन टेस्ट या कोई भी टेस्ट सॉल्व करके नहीं जाते हैं और उसका आउटपुट क्या होता है कि दे एंड अप फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। सो गाइस आई मस्ट टेल यू, अगर आप प्रिपरेशन करके एग्जाम में जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिना टेस्ट सॉल्व की अधूरी है। और जब मैं टेस्ट की बात करता हूं, आई इंक्लूड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर नंबर वन एंड देन मॉक टेस्ट एट नंबर टू। सो यू नीड टू डू प्रीवियस ईयर अराउंड 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करके जाइए यूपीएससी के। उसके अलावा आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आपको मॉक टेस्ट करने हैं, 25-30 मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग द मॉक टेस्ट डजंट मीन राइट एंड रॉन्ग आप मेंशन कर रहे हैं, मतलब इट्स अ लर्निंग। ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, ऑप्शंस के बारे में और जानकारी हासिल कीजिए। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू चलना है, टॉपिक बाद में पढ़ना है, क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। इस तरह से यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर बाय मोर देन 10-15 नंबर्स। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।